टुडे वी हैव टू रीड चैप्टर 6 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। आज हमने लाइव क्लास में इस चैप्टर की रीडिंग की है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी लेंदी चैप्टर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज इट फॉर यू सो दैट इट विल बी ईजी कि जब भी आपका मन करेगा यू विल कम टू नो वॉट एग्जैक्टली द स्टोरी इज। इस स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि देर इज़ अ पर्सन फिलियस फॉग जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन हैं। ये अपने लाइफ टाइम में अपनी लाइफ का एक सेकेंड भी नहीं वेस्ट करते हैं और इसी कमिटमेंट की वजह से ये पूरे अराउंड द वर्ल्ड इन्होंने 80 डेज में ही कंप्लीट कर लिया वो टूर। और कैसे वो अपने फ्रेंड से वो शर्त जीत जाते हैं कि मैं अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज़ में आऊँगा, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है रास्ते में, फिर भी वो कैसे जीत गए हैं, यही हमें इस स्टोरी में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ मैं, फिलियस फॉग एक व्यक्ति हैं जो कि रिफॉर्म क्लब में डेली जाते हैं। इट वॉज द ईयर ऑफ 1872। फिलियस फॉग डेली 11:30 बजे सुबह अपने घर से निकलते हैं। दिन भर वो वहीं रिफॉर्म क्लब में रहते हैं, वहाँ पे वो लंच करते हैं, डिनर करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं एंड फाइनली वो रात में घर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि ही इज़ वेरी टाइम पंचुअल पर्सनैलिटी। ये फिलियस फॉग एक सेकेंड भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जो उनका नौकर था पहले जेम्स फ्रॉस्टर, उसने एक बार गलती से पानी 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा या कम कर दिया था, जो कि उनके नहाने के पानी 31 डिग्री सेल्सियस से कम या ज़्यादा रहा होगा, और इस वजह से फिलियस फॉग ने उसे नौकरी से निकाल दिया। फाइनली उनको नया सर्वेंट मिलता है जिसका नाम है जीन पासपार्टूट, और जीन पासपार्टूट पहले फायरमैन था पेरिस में। वो वहाँ आता है और कहता है, आई केम टू नो दैट यू आर द क्वाइटेस्ट मैन इन ब्रिटेन एंड अब मुझे ऐसी ही पीसफुल लाइफ चाहिए, तो अब मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो ये बात कहने पे पासपार्टूट के फिलियस फॉग ने उन्हें कहा कि ऑल राइट, फ्रॉम नाउ 11:29 AM ऑन 2 अक्टूबर 1872 यू आर माई सर्वेंट। उनके इसी बात से पता चलता है कि 11:29 AM मतलब इतने टाइम पंचुअल हैं। हम कैसे बात करते हैं, ठीक है आज के बाद से तुम हमारे यहाँ काम करना, लेकिन फिलियस फॉग क्या कह रहे हैं कि ठीक है आज से जो डेट है 2 अक्टूबर 11:29 से तुम मेरे नौकर हो। ये कह के फिलियस फॉग वापस अपने क्लब में चले जाते हैं। वहाँ जाने पे उस दिन उन्हें पता चलता है बैंक ऑफ इंग्लैंड में 55,000 pounds की चोरी हो गई है और चोर का अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि वो इस वक्त कहाँ है। डायरेक्टर ऑफ द बैंक्स ऑफ इंग्लैंड गॉथियर राफ का कहना है कि चोर पकड़ा जाएगा क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी नहीं है कि वो कहीं भी जाके छिप जाए, एंड आफ्टर ऑल देयर आर बेस्ट डिटेक्टिव्स एट एवरी पोर्ट और उनके पास उनका डिस्क्रिप्शन है, वो उसे पकड़ लेंगे, एंड बाय द वे नो कंट्री इज सेफ फॉर हिम। इसकी इस बात पे स्टूअर्ट कहते हैं, एंड्रयू स्टूअर्ट कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, दुनिया काफ़ी बड़ी है, तुम अपना ही एग्जाम्पल ले लो, तुम पूरे 3 महीने में दुनिया का एक चक्कर लगाकर पूरा किए थे। आफ्टर हियरिंग ऑल दिस कन्वर्सेशन फिलियस फॉग सेड कि 3 महीने नहीं सिर्फ 80 डेज लगते हैं अराउंड द वर्ल्ड जाने में। ऑल वेर वेरी शॉक्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी दुनिया है और ये जो डायरेक्टर हैं ये खुद कह रहे हैं कि दुनिया छोटी है लेकिन इन्हें 3 महीने लग गए थे, तो ये कैसे ही फॉग मिस्टर फॉग कैसे ही ये जो है 80 दिन में पूरा कर लेंगे। Everybody said that it is not possible. Then this Phileas Fogg said that I am betting कि अगर मैं 80 दिन में पूरा कर लूँ तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड हुआ कि अगर 80 दिन बाद वो वापस इस रिफॉर्म क्लब में मिलेंगे और अगर फिलियस फॉग लेट हो जाएंगे तो उन पांचों दोस्तों को 4,000 pounds देंगे, यानी 20,000 pounds देंगे, और अगर फिलियस फॉग 80 दिन में एग्जैक्ट टाइम पे रिफॉर्म क्लब आ जाते हैं तो वो सारे ही फ्रेंड्स इन्हें 20,000 pounds देंगे। इस बात से डिसाइड होता है एंड द डे वॉज वेनसडे ऑफ 2 अक्टूबर। तो फिलियस फॉग कहते हैं कि फाइनली आज 2 अक्टूबर है, मैं लंदन में हूँ और मैं 21 दिसंबर सैटरडे को 9:45 बजे यहाँ पर तुम लोगों से मिलूँगा। एंड फाइनली थोड़ी देर बातचीत होती है और फिलियस फॉग अपने घर चले जाते हैं। घर आते ही फिलियस फॉग ने अपने नए सर्वेंट पासपार्टूट से बताया कि हम अराउंड द वर्ल्ड जा रहे हैं एंड वी हैव टू कम्प्लीट दिस टूर इन 80 डेज और तुम भी मेरे साथ चलोगे। पहले तो वो शॉक्ड हो जाता है लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अपनी मास्टर की बात मानने के अलावा, तो फाइनली
वो लंदन से ईस्ट के डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं और वहाँ से वो अमेरिका पहुँचते हैं। अमेरिका पहुँचने में वो 11 दिसंबर पे उन्हें न्यूयॉर्क जाना है लिवरपूल में, जिसके लिए वो ट्रेन लेते हैं 3 o'clock पे। ट्रेन लेट हो जाती है क्योंकि बहुत ढेर सारी बफेलोज आ जाती हैं रेलवे ट्रैक पे, तो उन्हें 3 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। 3 घंटे यहाँ लेट हो गए। इसके बाद फाइनली ट्रेन चलती है, तो रास्ते में कुछ डाकुओं ने ट्रेन पे हमला कर दिया। उनका मोटिव था कि वो जो पैसेंजर्स हैं उनसे कुछ लूटपाट करना। तो वहाँ पे भी कुछ लड़ाई हुई पैसेंजर्स और उनके बीच में। फाइनली क्या होता है कि जो डाकू हैं उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर को मार दिया था, लेकिन उन्हें इंजन ऑपरेट करना नहीं आता था। तो अब समस्या ये हो गई कि ट्रेन चले कैसे। तो यहाँ पे जो मिस्टर फॉग का सर्वेंट है पास पार्टूट, वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑपरेट करना आता है। और फिर वो खिड़की से निकल के नीचे की तरफ से जाते हैं, फाइनली इंजन तक पहुँचते हैं। अगले स्टॉपेज फोर्ट केयर्ने तक ले जाके वो ट्रेन पहुँचाता है। ट्रेन पहुँचने के बाद कुछ पैसेंजर्स जाते हैं और वहाँ पे सोल्जर्स से मदद मांगते हैं कि हमारी ट्रेन को डाकुओं ने कब्जा कर लिया, आप हमारी मदद करिए। जब तक ये सब बात होती है और वहाँ पे सैनिक आते हैं, तब तक पता चलता है कि जो डाकू हैं उन्होंने 2 पैसेंजर और पासपार्टूट को अपने साथ लेके वो चले गए हैं। इसके बाद फिलियस फॉग डिसाइडेड टू गेट बैक हिम। वो कैप्टन से कहते हैं कि आप मुझे 30 soldiers दे दीजिए और मैं जा करके उन 2 पैसेंजर्स और अपने सर्वेंट पासपार्टूट को लेकर आऊँगा। फाइनली द कैप्टन एग्रीड एंड द फिलियस फॉग वापस जाते हैं और 30 soldiers के साथ पासपार्टूट और पैसेंजर्स को ले आने डिसाइड होता है कि अगर तुम शाम तक वापस नहीं आओगे तो हम चले जाएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। शाम क्या पूरी रात बीत गई और दूसरे दिन काफ़ी ठंड थी और बर्फबारी होने लगी, जिसे देखते ही पैसेंजर्स को ट्रेन लेके वहाँ से चली गई। एंड दे ऑल 4 वेयर लेफ्ट ऑन द स्टेशन। जब वो वापस आते हैं तो उन्हें देखते हैं कि ट्रेन तो चली गई। अब उन्हें लिवरपूल भी पहुँचना है शिप से, जिसका नाम है द चाइना, और वहाँ से उन्हें न्यूयॉर्क के लिए वापस ट्रेन पकड़ के 21 दिसंबर, जैसा कि बेट थी, पहुंचना भी था। तो अब सबसे पहला जो चीज़ था उन्हें करना है कि एक शिप द चाइना लेना है और वहाँ से वो न्यूयॉर्क लिवरपूल के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं पोर्ट पे, तो पता चलता है कि जो उनकी शिप है द चाइना, वो उनकी लेट होने की वजह से पहले ही जा चुकी है। तो फाइनली फिलियस फॉग डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे एक नई शिप खरीदेंगे और जो सबसे फास्टेस्ट शिप हो, जो कि मुझे जल्दी से लिवरपूल पहुंचा दे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना सारा लेट हो चुका हूं और मुझे अपना ये बेट जीतना है। उन्हें दिखा एक शिप थी हेनरीटा। वो जाके वहां कैप्टन से बात करते हैं कि क्या तुम न्यूयॉर्क जाओगे। तो कैप्टन ने कहा कि हाँ 1 घंटे में। एंड फाइनली उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। तो कैप्टन सेड दैट ही वॉज़ वेरी र्यूड मैन। ही सेड दैट कि नो आई वॉन्ट टेक यू बिकॉज आई जस्ट पार्सल थिंग्स फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। सो हियर नाउ मिस्टर फॉग सेड दैट कि ऑल राइट इफ यू विल नॉट टेक मी देन आई विल बाई योर बोट, जस्ट सेल इट टू मी। द कैप्टन डिडेंट एग्रीड। ही सेड नो आई एम नॉट गोइंग टू सेल माई बोट। जब कैप्टन तैयार नहीं होता है, देन फाइनली फिलियस फॉग सेड दैट ही ऑल राइट आप मुझे अपने साथ ले चलिए और मैं पर पर्सन का आपको $2,000 पे करूँगा। फाइनली दे ऑल स्टार्टेड देयर जर्नी टू न्यूयॉर्क अकॉर्डिंग टू कैप्टन। लेकिन उन्हें जाना कहाँ था, लिवरपूल जाना था। बात ही बात में फिलियस फॉग ने डिस्कवर किया कि जो कैप्टन के साथ 2 सीमैन है उनकी आपस में बनती नहीं है, क्योंकि कैप्टन बहुत क्रूएल है और मे बी उनसे बहुत सारा काम लेता है, तो वो दोनों ही कैप्टन को पसंद नहीं करते। इस बात का फ़ायदा उठा के फिलियस फॉग ने उन दोनों को अपनी तरफ किया। एंड फाइनली द कैप्टन वॉज लॉक्ड इन अ रूम एंड द न्यू कैप्टन ऑफ हेनरीटा इज फिलियस फॉग। वन ऑफ द सीमैन टोल फिलियस फॉग की अगर हम इस इंजन में जो आग चल रही है, अगर हम यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ ऐड कर दें, फायर को और तेज़ करेंगे तो इंजन और तेज़ी से चलेगा और हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो ये डिसाइड होता है कि हम लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे। तो ये होता है कि हम इस नाव की ही लकड़ी को ले लेंगे और फिर इस आग को तेज करेंगे, जिससे इंजन जल्दी से हमें चल के और लिवरपूल पहुँचा दे। तो फाइनली वो शिप के कैप्टन के पास आता है और कहता है मिस्टर स्पीडी क्या आप मुझे अपनी शिप बेचेंगे। तो कैप्टन तो पहले से ही गुस्सा है कि एक तो मेरी पोजीशन इसने ले ली और अब मुझसे फिर से शिप खरीदने चला आया। देन ही सेड नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। एंड दे स्टार्टेड बार्गेनिंग एंड फाइनली
वो कन्विंस करता है स्पीडी को कि मैं तुम्हें $60,000 दूंगा। कैप्टन सुन के खुश हो जाता है कि हेनरिटा की कॉस्ट $50,000 है, लेकिन वो 20 साल पुरानी भी तो है। अगर ऐसे में मुझे $60,000 मिलते हैं तो ठीक है। देन द कैप्टन सेड दैट ऑल राइट यू जस्ट टेक द वुड बट द इंजन विल बी माइन। इसका मतलब है कि न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद कैप्टन स्पीडी अपनी शिप वापस ले लेंगे। फाइनली दे रीच लिवरपूल और उसके बाद क्या होता है कि कुछ आइडेंटिटी मिसमैच हो जाने की वजह से उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो ट्रेन है, जो एक ट्रेन थी न्यूयॉर्क के लिए, वो मिस हो जाती है। मिस हो जाने का मतलब है कि 11:40 हो चुका है, 21 दिसंबर है, फिलियस फॉग अभी तक लिवरपूल में है, उन्हें न्यूयॉर्क पहुँचना है, वहाँ से उन्हें रिफॉर्म क्लब जाना है, कैसे ही हो पाएगा। तो इन सब से बचने के लिए मिस्टर फॉग ने एक ट्रेन बुक की, उसके लिए उन्होंने पैसे दिए, एंड फाइनली मिस्टर फॉग और पासपार्टूट उसी ट्रेन से अकेले दो पैसेंजर्स बनके वहाँ से चलते हैं। ट्रेन लंदन में पहुँचती है 8:50 पे। मिस्टर फॉग 5 मिनट लेट हो चुके थे, फिलियस फॉग लेट हो चुके थे, लेकिन पासपार्टूट उनसे कहीं ज़्यादा खुश नहीं था, बिल्कुल दुखी था। रीज़न क्या था कि एक तो इस आदमी ने अपने 20,000 pounds ऐसे ही जर्नी में ख़त्म कर दिए, अब जो बचे 20,000 pounds है वो उन लोगों को दे देगा क्योंकि वो लोग शर्त जीत गए हैं, ऐसे में मुझे क्या मिलेगा ये सोच के। लेकिन तभी ध्यान आता है कि जब हम नेक्स्ट कंट्री में यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कभी कभी वहाँ पे टाइम वेरिएशन होता है। जैसे अगर हम वेस्ट की डायरेक्शन में जाते हैं तो न्यूयॉर्क के हिसाब से उन्हें एक दिन कम मिलता, लेकिन चूंकि वो ईस्ट के डायरेक्शन में गए थे तो रियलिटी में आज 20 दिसंबर था, और चूंकि वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग चल रहे थे तो उन्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आज 20 दिसंबर है। तो फाइनली नेक्स्ट डे पासपार्टूट जाता है और मिस्टर फॉग से बताता है कि सर आप ही शर्त जीते हैं क्योंकि आज की तारीख है 21 दिसंबर, आज आपको अपने दोस्तों से रिफॉर्म क्लब में मिलना है 9:45। तो जब ये बात फिलियस फॉग को पता चलती है देन ही सेड दैट कि टाइम तो बहुत कम है। देन दे बोथ स्टार्टेड रनिंग डेली। फिलियस फॉग जो अपने घर से रिफॉर्म क्लब का रास्ता है 25 मिनट में तय करते हैं, आज उन्हें 10 मिनट्स में ही तय करना था। फाइनली फिलियस फॉग और पासपार्टूट दौड़ के जाते हैं और वहाँ पे जो उनके फ्रेंड्स हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और कहते हैं कि 8:25 हो चुका है। एंड जहाँ तक मुझे पता है अभी तक लिवरपूल से आने वाली 7:23 की ट्रेन थी और अब नेक्स्ट ट्रेन है 12:10। इसका मतलब है कि शर्त हम जीतेंगे, बट चूंकि दे ऑल वेयर गुड फ्रेंड्स तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आज फिलियस फॉग इस तरीके से हार जाएंगे। एज ही वॉज वेरी पंचुअल एंड डिसिप्लिन्ड पर्सन तो उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा था, एंड दे वर जस्ट वेटिंग कि फाइनली 8:45 होने वाला रहता है कि फिलियस फॉग दरवाज़ा खोल के आ जाते हैं और कहते हैं कि वेल आई वॉन द बेट एंड आई एम गोइंग टू बी द रिच मैन अगेन। सो दिस इज़ द स्टोरी जिसमें राइटर हमें बताना चाहते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, इफ़ यू आर पंचुअल एंड डिटरमाइंड टूवर्ड्स योर गोल देन यू कैन अचीव एवरीथिंग। एंड जस्ट गो थ्रू दिस स्टोरी एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दिस स्टोरी वेरी वेल। जो भी सारे पॉइंट्स हैं वो मैंने समराइज करके आपको बता दिया है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो दिस वॉज द स्टोरी, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। गुड डे।